हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LIC इंश्योरेंस शेयर के ऊपर। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तभी से स्टॉक में मोर देन 30% का गिरावट हम लोगों को देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस स्टॉक में आगे का क्या हम लोगों का प्लान होना चाहिए, साथ ही साथ इस स्टॉक में बोनस कब मिलने वाला है, डिविडेंड कब मिलने वाला है, इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट जो है इंडियाज़ के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जो है आप ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हम लोगों के सामने ये वीकली चार्ट ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको मोर देन 30% ऑलरेडी फॉल हो चुका है। तो इस स्टॉक में अभी आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है। यहाँ पे न्यूज़ ये है, जो आपको जो मैनेजमेंट है वो शेयर को वापस से रिवाइव करने के लिए या फिर शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे जो है आपको मैनेजमेंट बोनस और साथ ही साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकता है। अभी आपको यहाँ पे बोनस और डिविडेंड का डेट नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। जो ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है तो स्टॉक प्राइस को बूस्टअप किया जाए, जिससे कि शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही हैवी अमाउंट का बोनस या फिर आपको डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 1.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीज जो है ये आपको ट्रांसफर कर सकता है, जहां से कि आपको बोनस या फिर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास स्टॉक है तो यहां पे जो है आपको भी बोनस और डिविडेंड मिल सकता है। साथ ही साथ अगर यहां पे आपके पास नहीं है और आप इस बोनस या डिविडेंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे क्लियरली जो है अगर यहाँ पे आपको इस न्यूज के बाद इस स्टॉक में कहीं पे भी एक बाउंस बैक भी आता है तो यहाँ पे आपको वापस से स्टॉक को एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस हो सकता है 650 के लेवल पे। अगर हम लोग बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट के ऊपर भी क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको डेली चार्ट के ऊपर भी कहीं भी स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक कि इस स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को नहीं देखने को मिल सकता है तब तक यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए नहीं देख सकते हैं। टेक्निकली जो है यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग सिग्नल नहीं है। अगर यहाँ पे एक बाउंस बैक आता भी है आपको नेक्स्ट वीक में तो यहाँ पे वापस से ऊपर के लेवल पे लोग सेल करने के लिए ही देखेंगे, क्योंकि ऊपर में आपको एक ह्यूज रेसिस्टेंस है। जब तक आपको ये 675 का लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में अपसाइड में नहीं देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में क्लियरली होना चाहिए, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। बोनस और डिविडेंड के न्यूज पे स्टॉक में बाउंस बैक अभी जरूर आ सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल का एक सिग्नल हम लोगों को नहीं मिलता है हम लोग यहाँ पे जो है इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन करने के लिए नहीं देखेंगे। 650 to 675 ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर जो है यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।